हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑल. यू आर वाचिंग गो विद ट्रेंड. सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन द पाइथन फंक्शंस एंड मेथड्स इन ऑप्स. सो इन द लास्ट वीडियो यू हैव सीन अबाउट द मेथड्स. लास्ट वीडियो में आपने मेथड्स के बारे में जाना था. मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स की कुछ सिमिलैरिटीज जानी थी फंक्शन से. सो आज मैं लेके आ गई हूँ ये वीडियो डिफरेंस फंक्शंस एंड मेथड्स में. यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस मिलेगा फंक्शंस एंड मेथड्स में जो हमारे ऑप्स में हम करते हैं. ठीक है, इसमें जो मेथड्स का डिफरेंस शो किया है मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्स के बेसिस पर है. डोंट थिंक कि ये हमारा अदर कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर है. लाइक जो मैंने लास्ट में बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि हमने आउट ऑफ द ऑप्स के कुछ मेथड्स पढ़े जानेंगे आफ्टर द ऑप्स कंप्लीशन कॉन्सेप्ट्स. सो इसमें जो सिर्फ मेथड्स के डिफरेंसेस हैं आपको सिर्फ ऑप्स के बेसिस पर बताए जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि मेथड्स होते क्या हैं. अगर नहीं रिवाइज सो एक बार आपके स्क्रीन्स पे फिर अवेलेबल है मेथड्स का डेफिनेशन. मेथड्स का और फंक्शंस का पूरा डिफरेंस जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाए. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज़ अ मेथड. मेथड होता क्या है? तो मेथड क्या होता है हमारे ऑप्स में, ये स्पेशल तरह का फंक्शन होता है जो हम क्लास के डेफिनेशन में उसे डिफाइन करते हैं. लाइक यू कैन सी इन योर एग्जांपल्स. यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाई है. हमने यहाँ पे क्लास के अंदर में हमने यहाँ पे एक मेथड फंक्शन क्रिएट किया है. इट इज़ फंक्शन बट हमने एक फंक्शन लास्ट टाइम हमने एक मेथड भी क्रिएट किया था. सो वो था मेथड क्रिएशन. ठीक है, यहाँ पे हमने एक और चीज़ हमने लास्ट में पढ़ी थी कि मेथड को हम क्रिएट जब करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के जरिए उसे कॉल करते हैं. लाइक वी क्रिएट द मेथड देन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट और उसके जरिए हम उसे कॉल करते हैं. तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया p1, देन हमने कॉल किया p1.name एंड p1.marks. सो अब देखते हैं बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं फंक्शंस और मेथड्स में. सो फंक्शंस में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक टास्क हम देते हैं किसी एक सॉर्ट ऑफ कोड्स को, उसे हम उसके नेम से कॉल करते हैं. लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरा नेम प्रिंट हो जाए जब मैं एंटर की प्रेस करूँ. ठीक है, मेरे पास आए हेलो निशि, हेलो ऋषि, लाइक दिस मेरे पास नेम प्रिंट होके आ जाए. सो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने एक फंक्शन सिंबल से बनाया डेफ नेम देन पैरेंथेसिस कॉलन, फिर मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो, देन प्लस का साइन लगा दिया, देन लिख दिया मैंने नेम. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये लिया, उससे पहले मैंने फंक्शन में मैंने आर्गुमेंट लिया था नेम. ठीक है, याद रखना आर्गुमेंट लिया था मैंने नेम. तो यहाँ मैं बेसिकली कर क्या रही हूँ, यहाँ मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया नेम. ठीक है, मैंने उसमें एक आर्गुमेंट ले लिया नॉट नेम, कुछ और आर्गुमेंट ले लिया हम इसमें. ठीक है, और अपना नेम प्रिंट करा लिया. कैसे किया, बस मैंने नेम कॉल कर लिया, अपना नेम लिख दिया पैरेंथेसिस के अंदर में, हेलो अपने आप प्रिंट होके आ जाएगा. सो ये था फंक्शन. मीन्स हमने एक स्पेसिफिक टास्क असाइन किया उस फंक्शन के नेम को और हमने वो काम करवाया है. लेकिन मेथड में क्या होता है, मेथड का भी एक स्पेसिफिक टास्क होता है, लेकिन मेथड में डिफरेंस ये है कि ये हम तभी डिफाइन करते हैं क्लास डेफिनेशन के नीचे. बट फंक्शन में ऐसा कोई सीन नहीं है. फंक्शंस को हम कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि हमने किया था अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में भी किया था, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था जेफ पी नेम से. मीन्स हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था वी के नाम से, माई वी के नाम से हमने डिक्लेयर किया था और वो एक हमारा नॉर्मल फंक्शन था, नॉर्मल मेथड था. लाइक इन इट हमने और भी जगह फंक्शंस क्रिएट किए, यू कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ दैट आल्सो. सो हमने एक नॉर्मल सा फंक्शन क्रिएट किया, हमने उसे कॉल कर लिया एंड हमने उसे यूज़ कर लिया. बट मेथड में क्या था, मेथड में हमने किया था कि हमने यहाँ पे क्लास नेम लिखा, फिर मेथड का नाम एंड देन स्टेटमेंट एंड देन स्टेटमेंट एंड. एक और चीज़ कि मेथड्स में हम कितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब ये लाइन तो हमारे सब पे लागू होती है, फंक्शंस की बात करें तो और मेथड्स की बात करें तो. ठीक है, अब ये बेसिक, अभी तो आपने जो देखा था लास्ट में ये था हमारा बेसिक डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस एंड मेथड्स. अब आते हैं हम एक फंक्शंस और मेथड्स का बेसिक और मेजर डिफरेंस है, इसलिए हम कहेंगे मेजर डिफरेंस इन फंक्शंस एंड मेथड्स. तो मेजर डिफरेंस हमारा ये दोनों है. पहला है मेथड इज इम्प्लिसिटली यूज्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉर विच इज़ कॉल्ड. मीन्स मेथड को हम यूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसके लिए हम उसे कॉल करते हैं. लाइक
हमारे लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने एक मेथड क्रिएट किया था. ओके, वी हैव क्रिएटेड अ मेथड बाय द नेम ऑफ व्हीकल. ठीक है, व्हीकल नाम का हमने क्लास क्रिएट किया, देन हमने एक मेथड बनाया माई वी के नाम से. माई वी के नाम से जो हमने जब मेथड क्रिएट किया उसमें मैंने क्या प्रिंट करवाया था, आई हैव कार. ओके, आई हैव प्रिंटेड दैट आई हैव कार. सो मैंने उसमें लिया था पहले, उसके बाद मैंने वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था वाई नेम से, वाई इक्वल्स टू. फिर मैंने क्लास को कॉल किया था वहाँ पे. अगर आपको ये रिमेंबर एग्जांपल याद नहीं आ रहा होगा सो गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ द मेथड. वहाँ पे ये एग्जांपल डिफाइंड है, क्लियर है, समझाया गया है. सो हम उस एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे इस कॉन्सेप्ट में भी, ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो सके. सो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्लास क्रिएट की, क्लास में हमने मेथड क्रिएट किया, मेथड को फिर हमने ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल किया. देखो बेसिक फंडा हमारा यही है कि जो हमने यहाँ पे ही प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस हमने मेथड क्रिएशन के लिए किया. ये सेम है बट यहाँ पर जो इनिट है वो इनिट फंक्शन है, ये मेथड नहीं है हमारा यहाँ पे. इट इज़ नॉट अ मेथड, इट इज़ एन ओनली फंक्शन. बट हमने ऐसे ही कॉल किया था मेथड, ऐसे ही क्रिएट किया था मेथड, ऐसे ही हमने वर्क किया था मेथड पे इन द लास्ट सेशन. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो डिफरेंसेस मेथड्स एंड क्लासेस में, मेथड्स एंड फंक्शंस में. देन सेकेंड पॉइंट इज दैट द मेथड इज एक्सेसिबल टू द डेटा दैट इज कंटेन्ड विद द क्लास. मीन्स यहाँ पर डेटा कौन सा कंटेन्ड है क्लास के साथ, हमारा डेटा है ये वाला नेम एंड मार्क्स. क्यों है ये डेटा, बिकॉज दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द क्लास स्टूडेंट एंड द फंक्शन ऑफ द इनिट. सो मतलब हमारा जो मेथड होता है वो हमारा डेटा के ऊपर बेस्ड होता है. हमें डेटा को एसेस करने के लिए हम मेथड को कॉल करते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, मुझे यहाँ पे नेम चाहिए किसी का, स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो मैंने लिखा है पी वन डॉट नेम. मीन्स मैं चाहती हूँ मेरे पी वन ऑब्जेक्ट से मुझे नेम प्रिंट हो जाए. पी वन ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर किया है हमने, अपने क्लास को कॉल किया. क्लास में कौन सा है, क्लास में हमारे पास है हमारा फंक्शन, और फंक्शंस में क्या है, हमारा है डेटा. सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस बीइंग गोइंग टू कॉलिंग द मेथड. यहाँ पूरा तरीका कुछ इस तरीके से हमारा काम हुआ है. हमें जब एक नॉर्मल मेथड से कुछ प्रिंट कराना है, डेटा प्रोसेस करना है, तो ये एक बेसिक तरीका था. सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हूँ. अगर नहीं हो रही हैं क्लियर, कहीं पर कोई डाउट होता है, छोटा सा भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हियर टू हेल्प यू एनी टाइम. कोई छोटा डाउट है तो भी पूछ लो, कोई बड़ा डाउट है तो भी पूछ लो. डोंट हेजिटेट टू आस्किंग योर कमेंट्स. ओके, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन द ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स टू, प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी अबाउट दैट. सो आज के लिए इतना ही. आज हमने डिफरेंसेस देखे फंक्शंस एंड मेथड्स के बीच में. अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस हुई है या कोई चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए थी, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट. अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिया करो. और जितने सोशल नेटवर्किंग पेजेस हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ जाके फॉलो कर लो, ताकि आपके डाउट्स हों तो. अगर आप कमेंट नहीं करना चाह रहे हो, डोंट वरी, गो गेट देयर एंड यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली एंड कैन टॉक विद मी टू. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट कमिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओप्स.